श्रोमणी कमेटी मैंबर अते विरोधी धिर दे नेता भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा ने अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल से लगाए वड्डे इल्जाम। देखो फतेहगढ़ साहब तो साडे पत्रकार संजय सैनी की रिपोर्ट। अज का मसला यह कि जरा पिछले दिन इतने प्रशासन तो श्रोमणी कमेटी के संबंध में असी अखबारों के जरा वाद विवाद देखिया तो मैं समझदा कि मंदभागा नहीं सी होना चाहिए। दूसरी गल कि हल जरा मिल बैठ के हो सकता कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी तो श्रोमणी कमेटी के मैंबर ही मेरा ख्याल है यदा हल करवा सकते। दूसरी गल कि जोड़ा ये मसला मैं मंग करदा कि बार बार ये तो हरेक साल ही फिर खड़ा होगा ठेका तुसी हरेक साल देना हरेक साल ही इस तरह के अड़ीके अज प्रशासन ने पाते कल कोई होर पा दूगा। श्रोमणी कमेटी अपनियां परमानेंट दुकाना जड़ियां ने वो क्यों नहीं जड़ियां हैगियां इत्थे खड़ियां करदी जिस तरह इत्थे मार्केट बनी हुई है गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब के सामने तो इत्थे जगह सिलेक्ट करके श्रोमणी कमेटी अपनियां परमानेंट दुकाना बना लवे तो परमानेंट जी उन्हां दी इनकम जड़ा है गुरु घर नूं मिलनी शुरू हो जाए तो इस करके इहो जिहे झगड़े मुक जाणगे। दूसरी गल ये आ कि गुरुद्वारों के जिहड़ा ठेकेदारी सिस्टम है ये जिहड़ा आने वाले समय के लिए बड़ा घातक समझो। देखो पहला तुसीं शुरुआत की लंगरां दे विच देण लग गए जिहड़ियां बिल्डिंगां ठेके ते कार सेवा वालियां नूं छड्ड के बिल्डिंगां तुसीं देण लग गए ठेकेदारां नूं फिर दुकानों के ठेकेदार आ गए तो कलू फिर तुम लंगर बनाने भी ठेके दे दोगे। ये सिस्टम जड़ा है हौली हौली जो सू सिधांत घटा ला दूगा तो मेरा ये कहना इनकम का मैं हामी है इनकम बने गुरु घर हो पक्की दुकाना बन जा। नंबर दो मेरा लौंगोवाल साहब के नाल एक गिला वो मैं ये आ कि जो वो आए ने इतने उन्होंने फतेहगढ़ साहब के इस मसले की गल की तो मैं उन्होंने पूछना चाहता कि असी इन्ने सालों तो जी खरौड़ा पिंड की जिहड़ा करोड़ां रुपए का जिहड़ा वह उत्थे गबन होया जिहड़ा अवतार सिंह मक्कड़ की अगवाई दे विच वो 24 करोड़ रुपया जिहड़ा वह खुरदबुरद किया गया कुछ निजी लालसावां दे कारण ते लौंगोवाल साहब ने खुद कहा कि असी इहदी जांच करावांगे जदों ये प्रधान बने तो मैं हैरान इस गल ते आ भी उहदी कोई गल नहीं करदे। जे तुहानूं इह लगदा कि ये 70 लख जिहड़ा ठेकेदार तों तुहानूं आउणा है ये तुहाडा नुकसान होया है तां मैं कहना कि वह 25 करोड़ रुपये की इनकम सी 24 करोड़ की जिहड़ी कि 50 किलियां दा ठेका ही जिहड़ा हैगा 20 लख बणदा तो 1 करोड़ का नुकसान तुहाडा इत्थे होया ना उहदी तुसीं की जांच करवाउंदे हो तो ना उहदी कोई गल करदे हो। बड़े दुख की गल है कि जिन्हें श्रोमणी कमेटी के मैंबर कल नाल बैठे सी मैं इस गलों बड़ा हैरान है कि उन्होंने अज तक किसी बंदे ने खरौड़ा पिंड के इस करोड़ों रुपये के कपले से जिहड़ा है ये बारे कदे कोई स्टेटमेंट नहीं दित्ती कदे ये बारे ये दुख नहीं जाहिर किया तो ये 70 लख का बड़ा दुख जाहिर हो रहा है। मेरा ये सवाल है कि वह गुरु घर का सरमाया नहीं सी बल्कि वह सरमाया वह सी जिहड़ा सिखा ने अपने प्लाट बेच के गुरु घर के नाँ ते FDIAं कराइयां ते गुरु घर के नाँ ते सिखा ने अपनियां जिहड़ियां किरत कमाइयां इत्थे जमा कराइयां ते उह मिंटां दे विच चंद बंदे जिहड़े ने उहदा आर पार करके पार गए तो उहदे बारे कोई क्यों नहीं बोलदा है तो इस करके असी ये गल पुछनी चाहते हैं। तो दूसरा मैं ये श्रोमणी कमेटी मैंबरां तों इस गलों मैं बड़ा उदास हाँ कि धर्म प्रचार करन दी बजाए ये मैनेजरां दीआं बदलियां सेवादारां दीआं बदलियां गुरुद्वारिआं दे विच सेवादार लवाउण दे इन्हां दे जिहड़ियां लालसावां ने ये मैनूं लगदा कि जो कुछ हुण पब्लिक प्रसैप्शन है जो कुछ लोग कहिंदे ने मैं पिछले कुछ समय तो देख रहा कि वह किते ना किते वाकई सच आ नहीं एक मैंबर नूं एक मैनेजर लवाउण दी की लोड़ है एक मैंबर नूं एक सेवादार बदलाउण दी की लोड़ आ तो जे कोई सेवादार बदल गया तो उहदियां बदलियां वास्ते जिहड़ा एडे वड्डे यतन करने सो ये किते ना किते अपने आप दे विच वड्डे सवाल जिहड़े ने वो पैदा होए ने। सो मैं तो यही कहना कि पंथ अकाली लहर जिहड़ी है वो यही मिशन लैके असीं इन्हां गल्लां नूं आउण वाले समय च इलाके दीआं संगतां नूं और देश विदेश दीआं संगतां नूं इस एक एक पॉइंट तों जिहड़ा असीं जाणू करावांगे। देखो सरकार नाल असीं गल कीती है सरकार नूं चाहीदा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मलकीत है और उहदे विच दखल अंदाजी ना होवे उहदे भी मैं गल कीती सी नहीं जिवें साडी सब कमेटी हैगी इत्थों दी ये बैठ के जो फैसला करेगी
और वो फैसला ही उस तरह ही उसके कार्रवाई की जाएगी। देखो बहुत सारे पुराने मसले ने, मेरे वेले तो कोई होया नहीं, जो मैं प्रधान हाँ, ये पुराने मेथों पहला बहुत सारे मसले हुए ने, उदे सी देख ला कि किस तरह ही होगा, पहला देखा जाऊगी मसला कदम होंगे कभी होया सारा पहला रिव्यू किया जाऊ। उसका उन्होंने सुजैस किया ठेकेदारी सिस्टम खत्म करके जो पक्की दुकाना बनाई जाए तो श्रोमणी कमेटी को होर ज़्यादा लाभ होगा। देखो ये साड़ियाँ सब कमेटियां बनिया होंगे ने, जो स्थानक तो साढ़े मैंबर ने वो सारा उतों की स्थिति देखते हैं स्थानक, और जिमें साड़ी सब कमेटी जी पास करके सू दी है, फिर असं अंतर कमेटी में पास करके फिर वो सारी कार्रवाई की जाती है। जोड़ मेरे समस्या भी आऊगी पार्किंग संबंधी, जैसे मांग की अपने सरकार तो पार्किंग बनाई जाए पर नहीं, कोई समस्या नहीं आती। देखो हमेशा ही जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उस वे प्रशासन के नाल पूरा सहयोग दिता जाता है, हर तरह का सहयोग असं दें, सो असी भी चाहते भी किसी तरह की कोई ऐसी समस्या ना आए, कोई तकलीफ ना आए श्रद्धालुओं, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, सारे मद्देनजर रखते सारी असी जगले जोड़ मेले के प्रोग्राम बनाने हैं।